शिवम, क्या हुआ पूजा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है, तुमने चेन देखी मेरी? सोने की चेन वहाँ टेबल पे ही तो रखी थी। अरे रखी तो वहीं थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। वहाँ पे नहीं है? एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं ढूंढवाता हूँ। चलो चलो। ये क्या, मैंने तो चेन यहीं पे रखी हुई देखी थी। अरे पर अब यहाँ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। ठीक है। नहीं यार, यहाँ पे तो चैन ही नहीं है तुम्हारी। वहां भी नहीं है। एक सेकंड शिवम, मुझे क्या लगता है, गोपाल ने ना मौके का फायदा उठाकर ना हाथ साफ कर लिया, चैन उसी ने चुराई है। सही कह रही हो तुम, चलो इसे तो मैं बताता हूँ, आओ। क्यों बे गोपाल, तूने जो मालकिन की सोने की चैन चुराई है, चल वो जल्दी से वापस कर। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने मालकिन की चैन चोरी नहीं की है। अच्छा तो भला मालकिन की चैन क्यों चुराएगा? अबे एक नौकर को सोने की चैन मिलेगी तो उसके मन में लालच नहीं आएगा, सराफा से चैन वापस कर दे, तेरे लिए ठीक नहीं होगा। साहब मेरा भरोसा कीजिए, मैंने मालकिन की चैन चोरी नहीं की है। देखो तो कितना शरीफ बन रहा है, हमें पता है चैन ना तूने चुराई है। शिवम बातें कम करो, एक काम करो इसकी चेकिंग लो। सही कह रही हो तुम, चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ चेक तो करूं भाई, रुक जा, पीछे घूम, मेरे पास तो चैन है ही नहीं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर सोने की चैन हमारे घर में से गई कहाँ पे? देखा साहब, मैं पहले ही आपको बता रहा था कि मैंने चैन चोरी की ही नहीं, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट, पूजा ये चावल तुमने इसे दिए खाने के लिए? हाँ, अब तुम तो डाइटिंग पे रहते हो तो ये बासमती चावल खराब ही हो रहे थे, सोचा इसको दे दूं। अरे यार तुम्हें पता है कितने महंगे चावल है, पूरे 200 रुपए किलो है, इससे अच्छा तुम कुत्तों को डाल देती ना, वो मुझे हजम हो जाता। ओए गोपाल चलिए चावल वापस कर। देखिए साहब, वैसे भी आप चावल एक कुत्ते को खिलाएंगे, उससे तो अच्छा है कि मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगा। अरे नहीं, वो क्या है ना, मेरे को अचानक से बहुत तेज भूख लगने लग गई है, तो ये चावल अब मैं ही खाऊंगा, मुझे वापस दे। साहब ये मैं झूठा कर चुका हूँ, प्लीज। अरे तेरा झूठा हो गया तो मैं क्या करूँ, मुझे ना बहुत भूख लगी है, मैं खा लूंगा, चल दे इधर। साहब साहब, अरे दे ना। तो इसका मतलब सोने की चेन तूने चावलों में छुपा कर रख रखी थी। अच्छा अब मैं समझा, सोने की चेन चोरी करने वाला चोर तू ही है। क्यों बे गोपाल, तू तो बहुत बड़ा चोर निकला। देखिए साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अरे चुप कर, मुझे अच्छी तरीके से पता है तू कौन है और कौन नहीं, समझा? शिवम अब ज्यादा बकवास क्यों कर रहे हो, एक काम करो पुलिस को कॉल करो, जब डंडे मारेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। अरे रुक जाओ पूजा, गोपाल ने चैन जानबूझ के चोरी नहीं करी, अरे उसने तो ये चैन मजबूरी में चोरी करी है, और मैं बताता हूँ चैन चुराने के पीछे इसकी क्या मजबूरी थी। अरे ये तो गोपाल और उसका बेटा है। पापा वो डॉक्टर ने कहा कि अगर आज शाम तक उसको 50,000 रुपए नहीं दिए तो मम्मी बच नहीं पाएगी। गोपाल की बीवी बीमार है, इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। क्या? देख बेटा तू टेंशन मत ले, मैं पैसे का कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ, साहब से तो पैसा मांग नहीं सकता लेकिन सामान तो चोरी कर सकता हूँ ना, फिर कुछ दिन के बाद सामान रख दूंगा। ठीक है बेटा, एक काम कर तू घर जा, जा। चोरी? ये गोपाल अब मेरे घर में से चोरी करेगा? अरे इसकी बीवी बीमार है तो इसको मुझसे पैसे मांगने चाहिए, पैसे की बजाय ये चोरी कर रहा है। ठीक है गोपाल कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तू क्या चोरी करता है। अच्छा तो इस गोपाल ने सोने की चैन चावल के अंदर छुपा ली, कोई बात नहीं इसे तो मैं बताता हूँ। क्यों बे गोपाल, तेरी बीवी की तबीयत खराब थी तो तूने हमारे घर में से चैन चुराना सही समझा? अरे कम से कम हमें बताता तो सही, हम तेरी बीवी का ख्याल नहीं रखते। गोपाल
एक बात बता, तेरी बीवी की तबीयत खराब थी तो तू हमसे एक बार पूछता तो सही। अरे मुझसे ना सही, कम से कम पूजा से पूछता। तूने क्या करा, तूने हमारे घर में से चैन चोरी कर ली। अरे हम दोनों मर गए थे क्या? तू हमारे यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा है। अरे तेरे परिवार का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन तूने ये चैन चोरी करना सही समझा? छी, वो साहब मुझे ना बताने में खराब लग रहा था, पैसे मांगना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तेरी बीवी बीमार है इस वजह से तुझे माफ कर रहा हूँ, और तू यहाँ 5 सालों से काम कर रहा है। एक काम कर, ये ले पैसे, तेरी बीवी के इलाज में आज के बाद जितने पैसे लगेंगे ना उन सबका खर्चा हम दोनों उठाएंगे, और ये पैसे अगर कम पड़े तो और बता देना, हम लोग और पैसे दे देंगे तेरे को। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने बुरे समय में मेरा साथ दिया। साहब मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है चल, एक काम कर जल्दी हॉस्पिटल जा, और आज के बाद इस घर में तभी आइयो जब तेरी बीवी पूरी तरीके से ठीक हो जाए, समझा तू? ठीक है साहब। चल ठीक है जाओ।